आकाशवाणी है। कोविड 19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर सूर्यकांत। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और एपिसोड में। हालांकि धीरे धीरे देश में कोविड के मामलों में कमी आ रही है, साथ ही स्वस्थ होने की दर में लगातार सुधार हो रहा है और ये 97% से भी अधिक हो गई है। भारत में चल रहे विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 93,17,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं, जो एक बड़ी उपलब्धि है। कल 24,000 से अधिक कोविड मरीज ठीक हुए, साथ ही देश में कोविड के 21,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। कोविड का खतरा अभी भी बरकरार है, इसलिए हम इसे पूरी सावधानी बरतनी है और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का कड़ाई से पालन करना है। श्रोताओं, कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 और 0112397804 पर संपर्क कर सकते हैं। श्रोताओं, कोरोना की वर्तमान स्थिति और टीकाकरण कार्यक्रम पर चर्चा करने और आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर सूर्यकांत। डॉक्टर सूर्यकांत कोविड वैक्सीनेशन नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर हैं, साथ ही आप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की IMA एकेडमी ऑफ नेशनल स्पेशलिटीज के वाइस चेयरमैन भी हैं। इसके अलावा आप IMA एकेडमी ऑफ मेडिकल स्पेशलिटीज के नेशनल वाइस चेयरमैन भी हैं। डॉक्टर सूर्यकांत नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। श्रोताओं, कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर सूर्यकांत से टोल फ्री नंबर 1800115767 और 0112331444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNews पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। और जैसा कि डॉक्टर सूर्यकांत बहुत ही जल्दी हमारे से जुड़ने वाले हैं और उनसे हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि किस तरीके से जो कोविड की वर्तमान स्थिति है उसमें हमें बिहेव करना है और आगे क्या कुछ सावधानियां बरतनी है ताकि हम जो एक न्यू नॉर्मल है उसके अंतर्गत अपनी लाइफ को जी सकें। और जैसा कि श्रोताओं हमने बताया कि जो विश्व का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण है, द लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम ऑफ द वर्ल्ड, वो हमारे देश में चलाया जा रहा है और 93 करोड़ वैक्सीनेशन हमारे देश में लगाई जा चुकी है। और 93 करोड़ वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, क्योंकि अगर हम देखें तो चीन के बाद सबसे तेजी से और सबसे बड़ा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है ये हमारे देश में चल रहा है। और 93 करोड़ का जो आंकड़ा है, यहां तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा कोल्ड चेन और एक जो है एक बहुत बड़ी हम ये कह सकते हैं टीम की जरूरत है। और बहुत जल्द हम लोग 100 करोड़ के आंकड़े को पार करने वाले हैं। श्रोतो, वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो वैक्सीनेशन हमारे देश में इस समय 3 जो वैक्सीन्स हैं वो अवेलेबल हैं। पहली वैक्सीन है कोवैक्सीन, जो कि स्वदेशी वैक्सीन है, हमारे देश की टेक्नोलॉजी है। और कोवैक्सीन जो है वो अवेलेबल है। इसके अलावा दूसरी वैक्सीन कोविशील्ड अवेलेबल है। और इसके अलावा जो तीसरी वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध है वो स्पुतनिक वी वैक्सीन है, जो कि रूस की वैक्सीन है। ये 3 वैक्सीन्स में किसी भी वैक्सीन को आप लगवा सकते हैं। जब भी आप इसको आपका टर्न आता है या आपने अभी तक टीकाकरण नहीं लगवाया है तो आप इसका वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि वैक्सीनेशन के केस में सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर हम वैक्सीनेशन नहीं लगाते हैं तो कहीं ना कहीं हम कोविड के लिए बहुत सारी चीजों को हम ये भी
कर सकते हैं कि अगर वैक्सीन नहीं है तो हमें कहीं भी जो पूरी तरह से कोविड के प्रति प्रोटेक्शन है वो हमें नहीं मिल पाता है, और कोविड के प्रति पूरी तरह से प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता है तो दोबारा कोविड अगर हमको किसी भी कारण से कोविड होता है तो उस केस में अगर दोबारा हमें कभी किसी भी तरीके से कोविड हो जाता है तो उस केस में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि फिर हमें सीवियर कोविड होने का खतरा होता है, और सीवियर कोविड होने का खतरा होता है जिसकी वजह से हमें अगर वैक्सीनेटेड है तो कहीं ना कहीं हमारी जो इम्यूनिटी है वो बढ़ जाती है, और कोविड अगर बाय द वे अगर हमें हुआ भी, वैसे तो होता नहीं है लेकिन अगर हमें किसी भी कारण से कोविड के लिए अगर हम एक्सपोज होते हैं और कोविड हमें हो जाता है तो बहुत ही माइल्ड कोविड होता है, और बहुत ही माइल्ड कोविड होता है जो जिससे कि हम अपना बचाव कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी चीज है। और अगर हम टीकाकरण की बात करते हैं तो ज्यादातर लोगों में, जैसे कि बहुत सारे लोगों के अंदर टीकाकरण को लेकर भ्रांति थी, लेकिन हमने इस कार्यक्रम के दौरान अपने विशेषज्ञों को बुलाकर उनसे इस भ्रांति को दूर किया, और हमने ये कोशिश करी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो पाए ताकि हम कोविड की इस जंग को जीत पाए। और इस बीच डॉक्टर सूर्यकांत हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। डॉक्टर सूर्यकांत नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी 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 नमस्कार जी। डॉक्टर सूर्यकांत, हम बात कर रहे थे वैक्सीनेशन की, और यहाँ पर आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस समय अगर हम कोविड की वर्तमान स्थिति को देखें तो हमारे देश में जो वर्तमान स्थिति है उसमें कोविड के मामले काफी कम आ रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि खतरा अभी टला नहीं है, और त्योहारों का मौसम आ रहा है, नवरात्रि चल रहे हैं, आगे अन्य त्योहार भी आने वाले हैं, तो ऐसे में लोगों का एक जगह से दूसरी जगह आवागमन भी होगा, मिलना जुलना भी होगा, बाजारों में भीड़ भी होगी, तो कितना हम अपना बचाव किस तरीके से कर सकते हैं और कितना सतर्क रहना है हमें? जी बिल्कुल, अभी सतर्क रखना है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, खतरा अभी चला नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि जनवरी फरवरी इसी वर्ष 2021 में अगर हम याद करें तो हमारे देश में केसेस 8,000 पर डे से भी नीचे चले गए थे जी, और अभी तो हमारे देश में केसेस अभी भी 18,000-20,000 आ रहे हैं जी। तो अभी हम उस स्थिति में भी नहीं पहुंच पाए हैं जिसमें हम जनवरी फरवरी में थे, एक बात। दूसरी बात, पिछली बार जो हमारे केसेस में अपसर्ज आया था वो आया था होली के आसपास जी, और उस समय के मेरे वीडियोस अगर आप देख लें तो मैंने कहा था कि देखिए बस होली का इंतजार कीजिए आप, तब हम कुछ कह पाएंगे कि खतरा टला है कि नहीं। लोगों ने मान लिया था कि नहीं नहीं अब तो कुछ नहीं है और कोविड जो है वो जैसे इंडिया से टाटा बाय बाय कह के चला गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और आपने सेकेंड वेव देखी, बहुत भयानक देखी, और आप देखिए उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, पूर्व पैन इंडिया इसने लोगों को प्रभावित किया जी। तो देखिए, एक तो ये है कि इंडिया में सब कुछ फ्री कम्युनिकेशन हो गया है, यानी हम इंडिया की जो हमारी कनेक्टिविटी है वो बिल्कुल ओपन है, धीरे धीरे हम इंटरनेशनल ट्रेवल भी ओपन करने जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कल यानी नवदुर्गा कल से शुरू हो गई है। आपके सभी, आपको भी और आपके सभी दर्शकों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये जो नवदुर्गा शुरू हुई है 7 अक्टूबर से, और उसके बाद फिर ये दशहरा है, 9 दिन के बाद 15 अक्टूबर को दशहरा है, और उसके बाद हमारा जो होता है वो धनतेरस होती है, धनतेरस के बाद छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली और गोवर्धन पूजा, उसके बाद भैया दूज, और उसके बाद ये छठ पूजा, यानी कुल मिला के जो स्थिति जाने वाली है 10 नवंबर के लिए। और इसीलिए मैंने कल एक अपने दर्शकों के लिए एक वीडियो रिलीज किया जिसमें मैंने कहा नवंबर पार तो नैया पार जी। तो देखिए नवंबर तक तो हमें बहुत ही अनुशासन बनाए रखना होगा, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना होगा, हमें कोई मौका कोविड को नहीं देना है कि जिससे कि वो उसे होस्ट मिले और उसे पनपने का मौका मिले, बढ़ने का मौका मिले, दूसरे लोगों को शरीर में प्रवेश करने का मौका मिले। और आप ये जान के चलिए कि जितना ही उसको फैलने को मिलता है उतना ही उसको रूप बदलने का भी मौका मिलता है, यानी नए नए वेरियंट पैदा करने का मौका मिलता है। तो ऐसा मौका हम बिल्कुल ना दें, ऐसी गलती हम बिल्कुल मत करें, हम पूरे उत्साह से त्योहार मनाएं लेकिन घर में, हम सभी को शुभकामनाएं दें लेकिन फिजिकल नहीं, डिजिटल। तो संदेश दें हम डिजिटल,
और अवॉइड करें हम फिजिकल, ये हमारा स्लोगन होना चाहिए त्योहार मनाने का। देखिए ये ना कहीं त्योहार चले जाएंगे, ना देश चला जाएगा, ना हमारा उत्साह चला जाएगा, ना उमंग चला जाएगा, सब कुछ यही रहेगा। लेकिन अब ये आखिरी पड़ाव में हमारी जंग जारी है कोविड के खिलाफ, और अगर हमने इसमें शिथिलता बरती, जैसे मैंने पिछले सेकेंड वेव का अनुभव बताते हुए कहा कि हमारे केसेस देश में 8,000 पर डे तक चले गए थे, और लेकिन उसके बाद होली के आसपास फिर ये केसेस बढ़े, अवसर बहुत भयंकर हुआ। तो ऐसा हमें कोई मौका नहीं देना है, और हमें अपने आपस में मिलते हैं तो नमस्ते ही करना है, हाथ बिल्कुल नहीं मिलाना है। हमें जहां मौका मिले बल्कि हाथ धोते रहना है साबुन पानी से या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, और घर से बाहर निकल के मान के अभी भी चलिएगा कि इक्का दुक्का कहीं कोरोना मिल जाएगा तो उसके बचाव के लिए मास्क लगा के रखना है। घर की चौखट से जैसे ही बाहर निकलिए मास्क लगा लीजिए, जैसे आप हेलमेट लगा लेते हैं, जैसे ही सड़क पे पहुंचते हैं, जैसे ही गाड़ी पे, वैसे आप लगा लीजिए। और हाँ, लोगों के बीच में आप मान के चलिए धारा 144 नहीं लगी है, लेकिन आप मान के चलिए कि भीड़ भाड़ इलाके में मत जाएं, और लेकिन और आपस में दो गज की दूरी बना के रखें। जी, और जो श्रोताओं से अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर सूर्यकांत। डॉक्टर सूर्यकांत से आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-1157567 पर कोरोना से और उसकी वैक्सीन से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। और हमारे आज के पहले कॉलर हैं बड़ौत उत्तर प्रदेश से महेश शर्मा जी। महेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी महेश जी, आवाज आ रही है? नमस्कार जी, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं मालूम करना चाह रहा जी, लोग बाग जो है बहुत भीड़ भाड़ में रहते हैं, और जो है वे अपना तो दूरी का पालन करते ना ही मास्क लगाते, उनके लिए कैसे निपटा जाएगा? जी डॉक्टर सूर्यकांत, ये बहुत चिंता जता रहे हैं महेश जी। ये सब भी अपने लोग से भटक गए हैं, इनको निपटाना नहीं है, इनको समझाना है, तो इनको समझाना है कि भाई शारीरिक दूरी बना के रखिए, अभी खतरा चला नहीं है। और अच्छी है आपकी चिंता, वाजिब है, मैं आपकी चिंता से पूरा सहमत हूँ। हम लोग भी चिंतित हैं, सिद्धार्थ जी भी सहमत चिंतित हैं, और पूरा भारत सरकार, हमारे प्रधानमंत्री और सभी लोग चिंतित हैं कि ऐसे लोगों को समझाया जाए कि भीड़ से बचें, और भीड़ में जाएं तो मास्क लगा के जाएं, आपस में शारीरिक दूरी का नियम का पालन करें, और जहां भी मौका मिले साबुन पानी से हाथ धोएं या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। जी, और इस बीच हमारे साथ हमारे रेगुलर कॉलर यामीन भाई रेडियो वाला जुड़ गए हैं लोनी उत्तर प्रदेश से। जी डॉक्टर साहब, इन्होंने नाम ही रेडियो वाला रखा हुआ है। यामीन भाई नमस्कार। सर नमस्कार, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार भैया। सर मैं यामीन भाई रेडियो वाला सिरोही लोनी की लगाई। जी सर, मैं जानना चाह रहा था, आजकल वायरल बुखार चल रहा है, बहुत ज्यादा चल रहा है हमारे यहाँ पर। सर हम कितने दिनों के बाद टेस्ट कराएं, आरटीपीसीआर या कोरोना की जांच, कितने दिनों के बाद? क्या पूछा सिद्धार्थ जी? डॉक्टर सूर्यकांत, इस समय मौसम बदल रहा है और वायरल फीवर जो है काफी ज्यादा आ रहा है, तो ये जानना चाहते हैं कि अगर किसी को सर्दी खांसी जुकाम या वायरल हो जाता है तो ऐसे में हमें कम आरटीपीसीआर या कोविड के टेस्ट के बारे में सोचना चाहिए? जी बिल्कुल ठीक पूछा आपने। देखिए अभी बात इनकी सही है, फ्लू बहुत फैला हुआ है, और फ्लू से पहले जो है छींकें आती हैं, नाक से पानी आता है, थोड़ा गला खराब होता है और बुखार आने लगता है। और अगर ऐसा कोई बुखार आपको होने के पश्चात 48 घंटे के बाद भी बना रहता है, बुखार नीचे नहीं उतरता है, शरीर में दर्द रहता है, इसके साथ खांसी भी आने लगती है, सांस में भी तकलीफ होने लगती है, या और कोई लक्षण कि जैसे लूज मोशन होने लगते हैं, डायरिया होने लगता है, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, ऐसा कोई लक्षण साथ में है तो आप आरटीपीसीआर जरूर कराएं, और अपने लक्षण छुपाएं नहीं, आप अपने लक्षण डॉक्टर को बताएं, डॉक्टर को तय करने दें कि ये फ्लू के लक्षण हैं या कोरोना के लक्षण हैं। जैसे मेरी एक कहावत बहुत मशहूर हुई है कि जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे हर टपकती हुई नाक कोरोना नहीं होती। तो इसलिए ये डॉक्टर को तय करने दो कि ये जो नाक टपक रही है या जो बुखार आ रहा है ये किसके कारण है, ये डेंगू का बुखार है, चिकनगुनिया का बुखार है, ये कोविड का बुखार है, इन्फ्लुएंजा का बुखार है, ये डॉक्टर तय करेगा। अब डॉक्टरों को काफी अनुभव हो गया है कोविड का भी और दूसरे बुखारों का, दूसरे बीमारियों का भी, तो ये अपने लक्षणों को छुपाएं नहीं, लक्षणों को बताएं और डॉक्टरों को निश्चित करने दें कि आपके बुखार का उपचार कैसे किया जाए और कौन सी जांच कराई जाए।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने तो पूरी बात ही कह दी कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती और हर टपकती हुई नाक कोरोना नहीं होती। इसके इससे हमको लगता है इससे सरल तरीके से किसी को समझाया नहीं जा सकता। और रुक करेंगे कुशीनगर उत्तर प्रदेश का, मुन्ना कुमार जी का सवाल लेते हैं। मुन्ना जी नमस्कार। हेलो मुन्ना जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी नमस्कार सर। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार भैया, नमस्कार। सर जी, हम एक बात के लिए बहुत चिंतित हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग बात तो कर रहे हैं, लेकिन मैं इस समय देख रहा हूँ बस में या ऑटो में भी जी। सीट के अलावा लोग खड़े होकर उसमें एकदम बहुत जबरदस्त भीड़ में लोग जा रहे हैं, तो ऐसे में कैसे लोग कोरोना से बच पाएंगे, हमको ये बताइए। बिल्कुल ठीक, हम आपकी चिंता, बहुत वाजिब चिंता है, हम आपकी चिंता से बिल्कुल सहमत हैं, और जितने चिंतित आप हैं उतने ही चिंतित हम हैं, उतने ही चिंतित भी हैं ऑल इंडिया रेडियो भी उसके साथ चिंतित है, और शायद यही कारण है कि अभी भी ये प्रोग्राम हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री भी चिंतित हैं, और जहां भी उनको मौका मिलता है वो स्पीच को कहते हैं कि दोस्तों खतरा अभी चला नहीं है, थोड़ा सा अनुशासन बनाए रखिए, और ये जो भीड़ में चलने की आपको आदत बढ़ गई है, मास्क उतारने के चलने, अरे भाई मैं तो अक्सर कहता हूं कि एक मास्क अनेक फायदे। आप देखिए, मास्क अगर लगा लेते हैं तो वायु प्रदूषण से बचते हैं, आप टीबी जैसी गंभीर बीमारियों से फैलने से बचते हैं, आप निमोनिया जैसी बीमारियों के संक्रमण से बचते हैं, आप इन्फ्लुएंजा वैसे संक्रमण के बारे में बचते हैं, और आप धूल धुआं गर्दा ये जो रहता है या कोई बगल वाला बीड़ी सिगरेट पी रहा है उसके धुएं से भी दुष्प्रभाव से आप बचते हैं। तो एक मास्क और ढेर सारे फायदे, क्या दिक्कत है आपको? मास्क लगा के चलिए, सुरक्षित रहिए। आप देखिए, शुरू शुरू में जब हेलमेट का नियम बनाया गया तब भी लोगों को लगता था अरे ये हेलमेट कहाँ लेके जाएंगे हम, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ गई। तो जब तक कम से कम हम कोविड को पूरा टाटा बाय बाय विदा नहीं कर देते, पूरी तरह से इसको सम्मान सहित विदा नहीं कर देते, तब तक तो कम से कम आपको मास्क लगाना चाहिए, भीड़ से बचना चाहिए, और हमेशा हाथ धोने की तो अच्छी आदत है। हमारे याद है हमारे बचपन में कहा जाता था तुम बाहर से घूम फिर के आए हो और पहले हाथ पैर मुंह तीनों धो तब जाके तुम्हें कुछ मिलेगा, खाना तो छोड़ लो बिस्किट भी नहीं मिलेगा। जी हमारी दादी नानी कहती थी, हमारे बचपन में ऐसा कहा जाता था। तो ये तो बहुत अच्छी परंपरा है, भारतीय जो स्वच्छता की परंपरा है, और हमारे प्रधानमंत्री जी तो स्वच्छ भारत अभियान उन्होंने चलाया, प्रधानमंत्री ने जब 2014 में प्रधानमंत्री बने, तो मैं तो अक्सर कहता हूं कि ज्यादा रहेगी सफाई तो कम होगी दवाई जी। तो आप भाई अगर सफाई रखना चाहते हैं तो दवाई की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, और अभी अगर कहा जा रहा है कि मास्क लगाइए और भीड़ से बचिए तो आपको ऐसा करना चाहिए, और थोड़ा सा सब्र करना चाहिए, थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। हम उस लड़ाई के आखिरी जंग में चल रहे हैं जब पासा किसी भी तरफ पलट सकता है, तो इस पासे को अपनी तरफ ही झुका रहने दीजिए। हम लड़ाई जीतने की ओर बढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ टीकाकरण भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत जल्दी हम 100 करोड़ का शतक यानी 1 करोड़ का शतक लगाने वाले हैं टीकाकरण की डोजेस का। हम जो हैं वो एक दो दिन बाद ही शायद जल्दी खबर आएगी कि 100 करोड़ का टीकाकरण हो गया, लेकिन फिर भी अभी हमारा लक्ष्य दूर है, और खुशखबरी की बात है कि बच्चों के लिए भी टीकाकरण बहुत जल्दी आ रहा है, तो जो 2 से 18 साल के लोग हैं उनके लिए भी टीकाकरण आ रहा है, यानी सबके लिए टीकाकरण आ रहा है। सरकार इतनी मेहनत कर रही है, इतना देखिए प्रभावी ढंग से काम कर रही है, तो हम समाज के लोगों को भी ये हमारा दायित्व है, हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि हम भी उसमें सहयोग करें जी। और अब हम रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां से अमित जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। अमित जी नमस्कार। अमित जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? मैं अमित बागपत के गांव गिटोरा से उत्तर प्रदेश जी। सर जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हमारी मम्मी है और उनको चलने में बहुत तकलीफ होती है, हुसास काफी तकलीफ रहती है, ये बताओ वैक्सीनेशन कराए या नहीं कराए और के लिए क्या इलाज कराए फिर? जी डॉक्टर, बिल्कुल कराएं वैक्सीनेशन। कोई भी बीमारी जो है वो टीकाकरण के लिए बाधा नहीं है जी, उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। हाँ, आपकी बीमारी जो है वो उसका एक्यूट अटैक उस समय नहीं होना चाहिए जब टीका लगे, उस दिन बुखार नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी बीमारी हो, चाहे वो जोड़ों की बीमारी हो, चाहे वो सांस की बीमारी हो, चाहे वो और अन्य कोई बीमारी हो, दिल की बीमारी हो, लिवर की बीमारी हो, कैंसर की बीमारी हो, डायबिटीज की बीमारी हो, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो, हर कोई कोविड का टीका लगवा सकता है। और कहीं भी आपको लगता है कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो आप अपने डॉक्टर से
सलाह ले सकते हैं। जी, और जालंधर से अरविंद कुमार जी जुड़ गए हैं कार्यक्रम से। जी अरविंद जी नमस्कार। हाँ जी अरविंद जी, आपके पीछे बहुत शोर आ रहा है अरविंद जी, अपने रेडियो सेट की आवाज धीमी करिए। अरविंद जी का सवाल हम दोबारा लेते हैं, शायद जो भी कॉलर समय ट्राई कर रहे हैं या फोन पे सवाल पूछना चाह रहे हैं उनसे ये हमारा निवेदन है कि जब आप कॉल करते हैं तो उस समय अपने रेडियो सेट की आवाज धीमी कर दें, उससे थोड़ा सा दूर हो जाएं ताकि और किसी शांत जगह रहकर हमें कॉल करें। और हमारे एक श्रोता हमसे ये जानना चाह रहे हैं डॉक्टर सूर्यकांत की, तीन वैक्सीन अवेलेबल हैं तो अच्छी वाली कौन सी है जिसे वो लगवा लें? तीनों अच्छी हैं, आप ये मान के चलिए इस तरह तीन भगवान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। अरे भाई भगवान तीनों हैं, अब कोई बहस करने लगे कि ब्रह्मा अच्छे विष्णु अच्छे महेश अच्छे कौन से खराब, तो तीनों की अपनी अपनी महत्ता है, तीनों अच्छे हैं। जो आपको मौका मिले, वो जो आपको सुविधा लगे, जो आपको मौका मिले वो वैक्सीन आप लगवा लीजिए। तीनों की एफिकेसी में बहुत ही स्टेटिस्टिकली कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। हमारी पूर्णतः स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन है जो प्रधानमंत्री जी ने लगवाई है, और हमारी एक इंग्लैंड से जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से टेक्नोलॉजी लेकर एस्ट्राजेनिका के द्वारा जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई उसका नाम कोविशील्ड है, वो डॉक्टर सूर्यकांत ने लगवाई है। और इसके अलावा अभी रशिया से स्पुतनिक भी ली गई है, वो भी इस्तेमाल की जा रही है। तो आपको जो अच्छी लगे वो लगवा लीजिए, मेरी तरफ से कोई ऐसा स्पेसिफिक रिकमेंडेशन नहीं है कि कौन लगवानी है और कौन नहीं लगवानी। जी, और महाराष्ट्र का रुख करते हैं ठाणे का, जहां से गुरुनाथ जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। गुरुनाथ जी नमस्कार। और सर नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी सर, मेरा सवाल है सर, अभी जो ये जो WHO है उनका एक डाटा है, तो सर उसमें उन्होंने भारत के बारे में ये बताया गया था कि अभी इस वक्त जो वहाँ पे जो इन्फेक्टेड और बाधित जो हो रहे वो ज्यादातर बच्चे और जो किशोरवयीन बच्चे जो टीनेजर, इनकी संख्या ज्यादा है क्या सर? ये इसमें कितनी रियलिटी है, कितनी सच्चाई है सर? आपने देखिए मेरी दुखती रख पे छेड़ दिया बात नहीं, मैं आपको उसका उत्तर देता हूँ। देखिए ये कहना बिल्कुल गलत साबित है और साबित हो रहा है कि किशोर और बच्चे अब ज्यादा प्रभावित हुए थे या हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं, देखिए बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं और बच्चों के लिए भगवान ने पैदा होते ही एक अलग से इम्यूनिटी बनाई है जिसको हम पैदाइशी इम्यूनिटी कहते हैं, यानी इनेट इम्यूनिटी। और वो इम्यूनिटी जब तक एक्वायर्ड इम्यूनिटी नहीं पैदा हो जाती अच्छी तरह से, पूरी तरह से बच्चों को प्रोटेक्ट करती है, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, बच्चों में हमारे देश में बहुत अच्छा टीकाकरण कार्यक्रम चलता है कोविड के अतिरिक्त, और इस टीकाकरण में एक टीका होता है BCG का टीका, और पूरी दुनिया में देखा गया है कि जिस जिस देश में BCG टीकाकरण नॉर्मल टीकाकरण में चल रहा है, सामान्य टीकाकरण में, यानी कि उनके देश में जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है बच्चों का उसमें शामिल है, वहां पर बच्चों को कोविड कम हुआ है। हमारे देश में भी कोविड कम हुआ है, और अगर हुआ भी है तो पता नहीं चला है। और तीसरी बात मैं बता दूं बच्चों की इस उसकी क्षमता की कि बच्चे किस तरह से कोविड की फर्स्ट वेव सेकेंड वेव को जीत चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं अभी सीरो सर्वे हुआ था इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा, 4वां सीरो सर्वे था जिसमें 7 से 17 साल के बच्चे भी शामिल किए गए थे, और उस सीरो सर्वे में पाया गया कि 56% लोग बच्चों को भी जो कोविड के खिलाफ है वो इम्यूनिटी पैदा हो चुकी है। अब देखिए बच्चों को टीका तो लगा नहीं, और बच्चों को जो कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी पैदा होती है वो दो ही तरीके से हो सकती है, या किसी को भी इम्यूनिटी होती है कोविड के खिलाफ तो दो ही तरीके से होती है, या तो वैक्सीनेशन से या इन्फेक्शन से। जी, तो बच्चों में वैक्सीनेशन अभी चालू नहीं हुआ है, तो अर्थात कहां से ये उनको एंटीबॉडी पैदा हुई, कहां से इम्यूनिटी पैदा हुई, तो नेचुरल सी बात है ये संक्रमण से हुई, यानी घर के लोग संक्रमित हुए, आसपास के संक्रमित हुए, उनसे बच्चे भी संक्रमित हो गए और बच्चों ने उस संक्रमण को जीत लिया। तो देखिए बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से कोविड फर्स्ट वेव को जीता है, सेकेंड वेव को जीता है। बिल्कुल गलत धारणा है कि बच्चों में ज्यादा लोग संक्रमण हो रहे हैं, या ये जो डेटा है वो वेस्टर्न कंट्रीज का आता है कि वो जैसे ही स्कूल खोलते हैं वहां बच्चे ज्यादा इन्फेक्ट होने लगते हैं। देखिए उनकी तुलना हमारी
हमारी जो बच्चों की तुलना है वो बिल्कुल नहीं की जा सकती है। हमारी बच्चों की स्थिति एकदम अलग है। मैंने जैसे बताया यूनिट इम्यूनिटी बच्चों की अच्छी है, दूसरा हमारे बच्चों के अंदर जो है वो जो हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलता है उसमें एक बीसीजी वैक्सीन है, उसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं कि जिस देश में बीसीजी वैक्सीनेशन होता है वहां पर बच्चों को कम कोविड का असर हुआ और हमारे देश में भी हुआ। और बच्चों के लिए खुशखबरी बता दूं मैं, जितने बच्चे सुन रहे हैं और नहीं सुन रहे हैं तो आप सब बच्चों को बता दीजिए कि डॉक्टर सूर्यकांत अंकल ने आज कहा है कि बच्चों को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ बचने की जरूरत है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है। स्कूल जाए तो पूरा घर से निकलने से वैन में बैठने तक, स्कूल में जाने से लौटने तक पूरा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। त्योहार अभी आ रहे हैं तो त्योहार मिलजुल कर मत मनाए, अकेले घर में ही मनाए, घर के अंदर ही मनाए, उत्साह से मनाए लेकिन घर के अंदर मनाए। भीड़ भाड़ की जगह जाने में बिल्कुल जरूरत नहीं है। और बढ़िया से अच्छी पौष्टिक डाइट लेते रहें, मम्मी का बना हुआ भोजन खाएं और अंकल चिप्स से परहेज करें, आंटी के चिप्स खाते रहें, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए बच्चे मस्त रहें, स्वस्थ रहें और ये निश्चिंत रहें कि उनके लिए भी वैक्सीन आ रही है, एक नहीं दो वैक्सीन आ रही है, एक कोवैक्सीन आ रही है बहुत जल्दी जिसका ट्रायल जल्दी से समाप्त होने वाला है, उसको भी परमिशन मिलने वाली है, वो 2 से 18 साल के लिए बच्चों के लिए प्रभावी है। और एक तो ऑलरेडी आने वाली है, उसका ट्रायल वायल सब खत्म हो गया, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन भी मिल गया है डीसीजीआई की तरफ से, और वो है जाइडस की जाइकोवा वैक्सीन। तो ये वैक्सीन 12 से ऊपर यानी 12 से 18 साल के बच्चों को भी दी जा सकती है। तो एक नहीं दो दो बच्चों के लिए वैक्सीन आ रहा है। और एक और मैं आपको बता दूं, यही कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक है एक और वैक्सीन बना रहा है, वो सुई लगने की भी जरूरत नहीं है, वो इंट्रानेजल वैक्सीन बन रही है, वो भी बच्चों के लिए प्रभावी होगी। तो एक नहीं दो नहीं, एक के साथ दो दो फ्री, यानी कि तीन तीन खुशखबरी बच्चों के लिए हमने बता दी आपको। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है लेकिन हाँ बचने की जरूरत। बिल्कुल डॉक्टर सूर्यकांत, आपकी बातों से बच्चों को बहुत बल मिला होगा और बच्चे हमारे काफी खुश हुए होंगे। और जल्दी से रुख करते हैं, आज के लास्ट कॉलर लेते हैं, मुंबई का राहुल पटेल जी का सवाल लेते हैं। राहुल जी नमस्कार। नमस्कार आपको भी डॉक्टर साहब को। जी मेरे दो प्रश्न है। एक तो अगर किसी इंसान का सपोज के डायबिटीज की वजह से पेट का ऑपरेशन हुआ हो तो फिर वो कितने दिन के बाद वैक्सीन ले सकता है। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि जैसे मैंने देखा कि सरकारी हॉस्पिटल में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी ऐसी शिष्य डॉक्टर नहीं है जो वहाँ पे मिलने वाले इंसान को देखे कि भाई उसको उसका थर्मल स्क्रीनिंग या उसका टेम्परेचर मापे, ऐसा कुछ देखते नहीं है। तो उससे क्या फिर पूरे वर्ल्ड में कोविड नहीं फैल सकता है? धन्यवाद। जी डॉक्टर, चिंता करिए। देखिए मैं पहले प्रश्न का उत्तर देता हूँ कि अगर मान लीजिए ऑपरेशन हुआ है या किसी भी कारण से अस्पताल में भर्ती हुए हैं तो छुट्टी होने के बाद यानी डिस्चार्ज होने के 2 हफ्ते के बाद आप एक बार डॉक्टर की सलाह लें और बड़े आराम से आप वैक्सीन लगवा सकते हैं, यानी अस्पताल से छुट्टी होने के 2 हफ्ते बाद, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, आपने पूछा कि बिना थर्मल स्कैनिंग के अगर लोगों को अंदर जाने दिया जाएगा, तो मैं तो अभी मेरा तो अनुभव यह है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में या और भी कई जगह में गया अभी, तो वैसे तो हर जगह मॉल में या रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म हर जगह थर्मल स्कैनिंग हो रही है, लेकिन अगर कहीं नहीं हो रही है तो ये गलत बात है। आप शिकायत करिए, आप जो है इसको संज्ञान में लाइए, मीडिया में लाइए, अपने उन जानकार जो आपके अधिकारी लोग हैं जिले के या उस तहसील के या उस शहर के, उनके जानकारी में लाइए और बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, थर्मल स्कैनिंग जरूर होनी चाहिए। और अब समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, चलते चलते डॉक्टर सूर्यकांत बहुत किस्त में आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? देखिए कोई भी लड़ाई जीती जाती है वो अपनी आखिरी दौर में किसने कितनी मेहनत से लड़ाई लड़ी उसी से उसका निर्णय होता है। हमारी लड़ाई जो भारत की कोरोना की जंग के खिलाफ है उसका भी निर्णय होने जा रहा है। और जैसा मैंने कहा है, नवंबर पार तो नैया पार, नवंबर को जो है वो पार हो जाने दीजिए। त्योहारों में थोड़ा सा संयम बरतिए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को पालन करते रहिए, उत्साह के साथ त्यौहार मनाइए लेकिन घर के अंदर मनाइए, भीड़ मत जुटाइए। और नवंबर में आपने ये सब कर लिया तो दिसंबर में मैं मानता हूं कि आप सभी भारत को कोरोना मुक्त घोषित कर देंगे। जी डॉक्टर सूर्यकांत, आप कोविड 19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सिद्धार्थ जी। इसी के साथ श्रोताओं दीजिए मुझे अनुमति, नमस्कार। कोविड 19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता।
सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर सूर्यकांत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है AIR NSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।